तो एप्पल टीवी पर घोस्टे नाम से एक मूवी रिलीज हुई है। अब इसमें टीवी लगा है तो कंफ्यूज मत हो जाना, ये एप्पल का अपना सगा ओटीटी प्लेटफॉर्म है। अब इस मूवी को देखने का मेन रीजन था क्रिस इवांस, जो कि इस मूवी का दूसरा मेन कैरेक्टर है। अब अगर तुम एक हॉलीवुड मूवी का रिव्यू देखने आए हो तो क्रिस इवांस को जानते होगे। तो क्रिस इवांस के कैरेक्टर का नाम है कोल, जो कि एक फार्मर है। तो मूवी का नाम तो घोस्टेड है, लेकिन इसमें उतना ही घोस्ट देखने को मिलेगा जितना कि इस चैनल का सब्सक्राइबर है, तो सब्सक्राइब कर लो यार। तो घोस्टिंग का मतलब होता है अगर कोई आदमी आपसे सारे रिश्ते नाते तोड़ ले, वो भी आपको बिना बताए, यानी कि आपका काटना, वो भी अल्ट्रा प्रो मैक्स में। तो इसमें क्रिस इवांस के कैरेक्टर का नाम है कोल, जो कि एक फार्मर है। अब इसे एक दिन मार्केट में एक लड़की से मुलाकात होती है जिसका नाम है सैडी, एंड ये इस मूवी की फर्स्ट मेन कैरेक्टर है, जिसे प्ले किया एना दे आर्मस ने, जो कि काफी खूबसूरत देखने में लगती है। अब ये लड़की कोल को पसंद आती है, आपको भी आएगी, एंड पसंद आने के बाद ये वो करता है जो कि आप या हम नहीं कर पाते हैं, यानी कि उसे जाकर बात करता है, उससे कॉफी के लिए पूछता है। जब सैडी मान भी जाती है, पूरा दिन उसके साथ घूमती है एंड कोल को अपने घर तक भी ले जाती है। अब कोल स्लीपिंग खेलने के बाद अपने घर वापस लौट आता है, बट कई दिनों तक ये सैडी को मैसेज करता है, बट उसका कोई रिप्लाई नहीं आता है। अभी से पता चलता है कि सैडी लंदन में है, तो वो उसे ढूंढते हुए लंदन पहुंच जाता है, एंड यहीं आकर उसे पता चलता है कि सैडी रियली में एक CIA की एजेंट है। अब इसके आगे की राम कहानी जानने के लिए आपको एप्पल टीवी का सब्सक्रिप्शन लेकर इसे देखना पड़ेगा, जो कि सिर्फ एक महीने का 99 का आता है, यानी कि अब तक का सबसे सस्ता OTT प्लेटफॉर्म, एंड वो भी एप्पल का। बट ज्यादा खुश मत हो जाना, क्योंकि इसके लिए पहले आपको एप्पल का कोई स्क्रीन होना चाहिए, यानी कि आईफोन, आईपैड या मेरी तरह मैकबुक। मूवी की बात करें तो मूवी में रोमांस है, इनफ एक्शन है, जिसके कारण ये मूवी आपको इंटरटेनिंग लगेगी, आप इसे देखते टाइम बोर नहीं होगे। मूवी में जहां एक तरफ आपको इसका एक्शन पसंद आएगा, वहीं रोमांस भी पसंद आएगा, लेकिन इन दोनों के बीच की केमिस्ट्री उतनी पसंद नहीं आएगी। मूवी में इन दोनों के बीच में थोड़ी तूतू मैं दिखाई गई है, जो कि थोड़ा सा जबरदस्ती वाला लगता है। क्रिस इवांस को शायद मैंने कैप्टन अमेरिका के बाद पहली बार किसी दूसरे कैरेक्टर में देखा है, एंड ये कैरेक्टर कैप्टन अमेरिका से बिल्कुल ऑपोजिट है। जहां वो उसमें आई कैन डू डेट ऑल डे बोलकर हमेशा लड़ते रहता था, यहां वो लड़की से सीढ़ियां चढ़ने में हार जाता है। वैसे इस फिल्म में आपको कैप्टन अमेरिका का बहुत सारा रेफरेंस देखने को मिलेगा, जैसे कि इस सीन में वो कैप्टन अमेरिका की तरह लड़ने के लिए तैयार होता है, एंड फिल्म के एक सीन में जब वो सैडी के यहाँ से स्लीपिंग खेल कर वापस आता है, तब उसकी बहन बोलती है कि ये सो कर आया है, जर्मन से लड़कर नहीं। अब जर्मन से कैप्टन अमेरिका का तो रिश्ता जानते ही होंगे। इसके अलावा हमें मूवी में कैप्टन अमेरिका के दोनों दोस्त, यानी कि विंटर सोल्जर एंड सैम विल्सन, दोनों का कैमियो देखने को मिलता है, यानी कि उन दोनों कैरेक्टर को प्ले करने वाले एक्टर का कैमियो। इसके अलावा इस मूवी में एक सीक्रेट कैमियो और भी देखने को मिलता है, जो कि तुम्हें पता चलेगा जब तुम इस मूवी को देखोगे। तो फाइनली ये मूवी एक एवरेज अच्छी मूवी है, जिसे तुम एक बार तो देख ही सकते हो। तो इसी के साथ वीडियो खत्म करते हैं।